अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। व्लॉग को कर रही हूँ मैं स्टार्ट। शाज़ भाई काम पे जाने लगे थे, मैंने कहा मॉडल बन के मेरे साथ खड़े हो जाओ, मैं व्लॉग स्टार्ट करने लगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। मॉडल तो नहीं हूँ खैर, लेकिन इतना बुरा भी नहीं हूँ, आप सबको पता ही है। काम पे जाने लगे, मैं बस खाना बनाने लगी हूँ। सामान वगैरह मैंने सारा रेडी करके रखा हुआ है। तो आज हमारे किचन में बनने लगे हैं शलजम। हमने कहा कुछ सादी गज़ा भी खा ली जाए, सब्जियों की बारी आ गई है। तो शलजम मैंने अभी बॉईल किए हैं, मैं ऐसे फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, वैसे मैं दूसरे तरीके से बनाती हूँ। तो शलजम को मैंने बॉईल करके रख लिया है, ऑयल गर्म हो रहा है, बस मसाला वगैरह सारा इसका रेडी किया है। और ऑयल में डालते हैं हम प्याज। मामा आज नहीं है बाइक, क्योंकि मामा की थोड़ी सी तबीयत से डाउन, आप कह रहे हैं कि तबीयत नहीं ठीक। प्याज कुछ ऐसे ही थोड़ा सा कलर आते हैं, इसमें मैं लहसुन अदरक शामिल करूँगी। तो मामा आज भी आपको बाहर नहीं नज़र आ रही होंगी, क्योंकि मामा आज अंदर बैठी हुई है, तबीयत उनकी ठीक नहीं थी रात से। तो इस वजह से अम्मी आज नहीं आपको व्लॉग में नज़र आएंगी, मुलाकात करवाएंगी, लेकिन जब मैं खाना वगैरह बना के अंदर जाऊँगी मैं तब। तो जैसे ही प्याज बोल रहा होता है इसमें मैं लहसुन अदरक शामिल कर देती हूँ। बाकी टमाटर काट लेती हैं मैंने, अच्छी जगह काट सकते हैं। समझ नहीं, अम्मी रोज़ पूछती हैं क्या बनाना क्या बनाना है। तबीयत की वजह से, गर्म चीज़ें खाने की वजह से ना उनका बीपी भी थोड़ा सा हाई हो जाता है। इस वजह से ये जो शलजम और जो टिंडे कद्दू ऐसी चीज़ें आपको पता है अम्मी बहुत ज़्यादा खाती हैं। जिस दिन ऐसी कोई चीज़ बने हम खाना बाहर से मंगवा लेते हैं अपने लिए, अपने मैं अपने अपार्टमेंट में नहीं पसंद करती इतना, आपको पता ही है। शराज की बस तैयारी ख़त्म नहीं हो रही, काम पे जाना है और ये हर चीज़ कहता है मुझे लास्ट में, खुद को कुछ कोई काम खुद नहीं करता, हर चीज़ कहता है मुझे ना बस हर चीज़ बढ़ बनाई मिलनी चाहिए। इसमें मैंने लहसुन अदरक और अदरक थोड़ा सा डाला है बिल्कुल। ले लिया चाबी, इतनी सर्दी तो नहीं है, तुम कैप लेके जा रहे हो। सही उर्दू बोल लो, रात टाइम होती है, रात टाइम होती है, सर्दी बात है, पंजाबी बोलना होती है। जब रात को आते हैं ना बाइक पे तो उस टाइम सर्दी होती है, इस वजह से कैप और जो चादर होती है मोटी वो लेके जाते हैं बाइक पे, सर्दी लगती है। मौसम तो वैसे काफ़ी चेंज हो गया है, अल्लाह का शुक्र है खुल गया है मौसम, दिन भी लंबे हो गए हैं। अभी देखने पाँच साढ़े पाँच का टाइम है और सूरज अभी ग्रोथ नहीं हुआ है, छः साढ़े छः बजे तक रोशनी रहती है। बहुत सिंपल सा खाना बनाएंगे दादा, मिर्च मसाले नहीं डालेंगे, ठीक है। बनता तो पहले भी वैसे खाना सिंपल ही है, लेकिन नमक मिर्च मसाले बिल्कुल कम, थोड़ा सा ज़्यादा उसमें डालूंगी इसमें। शराज तुम क्यों नहीं जा रहे, तुम्हारी चीजें क्यों नहीं मिल रही, बेल्ट शूज लोशन चाबियां हर चीज, चादर और चादर। मसाले को बस मैं भूनती हूँ अच्छे तरीके से। टमाटर और सबंद मिर्च मैंने इसमें शामिल की हैं, पापा अंदर ड्रामा देख रहे हैं। उन्होंने आजकल एक ड्रामा देखना शुरू किया, उनको अच्छा लग गया पता नहीं, तो जब वो टीवी पे उनसे मिस हो जाता है फिर वो फ़ोन पे देखते हैं, तो वो फ़ोन पे ड्रामा देख रहे हैं। मामा लेटी हुई हैं, मैं खाना बना रही हूँ, शराज भाई चले गए हैं, फातिमा हमारा कैमरा मैन आपको पता ही है वीडियो बना रहा है। मसाला बस उसका हो गया, मैं इसमें शलजम डाल देती हूँ, ज़्यादा हमने पकाना तो नहीं है क्योंकि बॉयल हुए हैं हम, ऐसे वैसे शलजम बनाते नहीं हैं। लाइट चली गई है ना, लाइट बंद हो गई है,
मैंने आज बॉयल किया ना, मुझे ऐसा लग रहा था जो शलजमों की सारी गुजाई है तो ना वो निकल गई है बॉयल होने से। तो फर्स्ट टाइम बनाया, आइंदा ऐसे नहीं बनाऊँगी, जैसे हम बनाते हैं वैसे बनाऊँगी। आइंदा फ्लाइट ने एक बड़ा तंग किया होगा। शलजम मैंने डाल दिए हैं इसमें, बस इसको मिक्स करते हैं अब। बिस्मिल्लाह। लाइट आज अचानक बंद हो गई है, वरना इस टाइम नहीं जाती हमारी लाइट। बस इसको मैं दम पे रख दूंगी ताकि ये मसाला और शलजम जो है ना ये यकजा हो जाए, इनमें टेस्ट आ जाए जो फीके फीके हैं। कवर कर देती हूँ शायद तब तक टाइट भी रहती है। धनिया भी मैंने बना लिया है, बस ये बना हमारा धनिया। धनिया भी मैंने बना लिया है, इसमें डाल लेती हूँ। ठीक है, ये लो। ये जो हमारी लड़की है ना, इसको स्टील के भांडे नहीं पसंद, तो मैंने इसमें ट्रांसफर कर लिया। ठीक है। और आपको एक चीज दिखाती हूँ, हमारी कैट ये देखिए नींद पूरी करके उठ गई है। ये देखें, वो करी मानो सो के इसने अपनी आंखें देखे कैसे फ्लफी की हुई हैं, सजाई हुई हैं। इसको शराज भाई ने चिकन पे लगाया हुआ है, जब वो आता है ना बस ये उसके पीछे पीछे। चिकन खाना है? शलजम बन गए हैं, ऑयल भी उन्होंने छोड़ दी है, लाइट भी आ गई है। हाँ जी, लाइट ने बहुत बस तंग किया हुआ है। तकरीबन लाइट आई है हमारी 1.5 घंटे के बाद, इसलिए थोड़ा लेट हो गया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। रोटियां बस मैं पकाऊंगी, मामा को खाना दूंगी। मामा से आपकी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब ठीक हैं? हम भी ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। और हमेशा आप सबके लिए दुआ दूँ। बस आज थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई है, पता नहीं बीपी का मसला था या वैसे ही थकावट हो गई, मैंने कभी काम किया नहीं, इसकी वजह से मेरा आज सारा दिन मैं बस लेट के मैंने गुजारा है। और व्यास साहब भी परेशान है मेरी वजह से। अस्सलाम वालेकुम, मेरे आप सब लोग ठीक होंगे? हम भी ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। और हरमैन की मामा की तबीयत कल से ख़राब है, तो आज भी थोड़ी सी ख़राब है, इंशाल्लाह ताला ठीक हो गया। अभी मेडिसिन दी है, उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ठीक हो गया। और खाने का इंतजार कर रहे हैं, लाइट ने बड़ा तंग किया हुआ है। और लाहौर में मौसम इतनी तेज़ी से बदला है ना कि आज मुझे पसीने आ रहे हैं। देखो मैंने पंखा चलाया हुआ है और रजाई भी ली हुई है। सर्दी जब आई थी ना तब भी ऐसे था, समझ नहीं लग रही थी कि रजाई ओढ़े या पंखा चलाए, ऐसे जाते हुए भी ऐसे कर रही हूँ। ये रोटी टेढ़ी हो गई है, ना दिखाना। सही है, गोली होती है रोजाना, कोई बात नहीं, कभी हो ही जाता है। नहीं नहीं, क्यों नहीं, रोटी टेढ़ी हो पागल, समझ नहीं आ रही। मुझे भी बहुत अच्छी रोटी बनानी आती है, बिल्कुल गोल, पर ये पकाती नहीं है। लेकिन जब कभी बनाती ना फिर मेरी तारीफों को पुल बांधना शुरू हो जाते हैं सब। झूठ कह रही हूँ? नहीं, सही है, अच्छी रोटी बनाती, कभी कभार नियत से काम कर लेती। आगे पीछे मैं बदनीयत ही होती हूँ है? जब भी वीडियो शुरू होती है कितनी बिस्ती करते सब मेरे। देर के छोटे जो बच्चे होते हैं ना उनकी वो बिस्ती प्रूफ होती है। बच्चे नहीं, जो स्टूडेंट बच्चे होते हैं ना उनकी तो होती रहती है, उनको बिस्ती प्रूफ होना चाहिए, इंसल्ट फील नहीं करनी। दिन रात करवानी होती है इसलिए। स्कूल से भी, घर से भी, कॉलेज से भी। फातिमा ने क्लासेस लेना स्टार्ट कर दी हैं वैसे, तो मैं
मैं इसलिए इसको कह रही हूँ कि इसकी प्रूफ होना चाहिए, स्टूडेंट को फेल नहीं करनी चाहिए। तो जी ये था आज का हमारा व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ये मैंने अपना खाने पे डाल के रख लिया है, थोड़ी सी रोटी और सालन साल में जो बना है घर में, और एक मैंने अपनी शामी कबाब फ्राई किया है। ये तो जो हमने कल बनाए थे वही हैं, तो इनकी एक मैं आपको रेसिपी दूंगी जो मैं अपनी डाइट में यूज़ करती हूँ, चिकन के बीफ के नहीं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, हमें दे ज़्यादा सलाह फ्रेंड्स। और एक बात, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।